जय मार्वल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है सीआरपीएफ, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ 789 पोस्ट, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, एएसआई इंस्पेक्टर की वैकेंसी। फिजिकल समय पे हुए लेकिन रिटर्न एग्जाम होने में काफी लंबा समय लगा दिया। जी हाँ, डिपार्टमेंट ने इस रिक्रूटमेंट का रिटर्न एग्जाम लेने में काफी लंबा समय लगाया। मार्च 2023 में आप लोग के कांस्टेबल वालों के रिटर्न एग्जाम हुए 27-28 मार्च में, और इसके अलावा 22-6-2023 में आप लोग का हेड कांस्टेबल एसआई एएसआई इंस्पेक्टर का रिटर्न एग्जाम लिया गया। रिटर्न एग्जाम लिया गया और ट्रेड को लेकर के जो क्वेश्चंस वगैरह आने थे उसे भी हटा लिया गया, यानी कि काफी चेंजेस यहां पे कर दिए गए। फिर भी कुल मिला के आप लोग का रिटर्न एग्जाम ले लिया गया। पेपर अच्छा था लेकिन एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। दो स्टेप आप लोगों के कंप्लीट हो चुके हैं, फिजिकल और रिटर्न एग्जाम आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है। ट्रेड टेस्ट और मेडिकल क्लियर होते ही आप लोगों को फाइनल ज्वाइनिंग यहां पे मींस आप लोग की रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी मैंने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में कि दो रोजगार मेले अभी बच रहे हैं। जी हाँ, दो रोजगार मेले अभी बचे हुए हैं, दिसंबर 2023 का और जनवरी 2024 का रोजगार मेला है। और मंत्रालय से ऊपर से आदेश आ चुका है कि जितनी भी रुकी वैकेंसियां उसे कंप्लीट कराया जाए। तो ये उम्मीद यही की जा रही थी, जब रुकी हुई सभी भर्तियों को कंप्लीट कराना है तो सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती क्यों रुकी रहेगी, ये भर्ती भी कंप्लीट हो जाएगी। और न्यूज यही निकल के आ रही थी, जल्द ही कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाला है। जी हाँ, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, आप लोग के रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट हो या फिर आगे के लिए जो प्रोसेस वगैरह है इससे रिलेटेड जानकारी आप लोग को जल्द ही वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। और बहुत ही जल्द आप लोग की इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कराया जाएगा। फिर ये रिक्रूटमेंट आप लोग की चाहे दिसंबर 2023 में या फिर जनवरी 2024 में आप लोग की कंप्लीट कराई जाए। इन दो रोजगार मेले में किसी एक रोजगार मेले में आप लोग को जगह दी जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, जो जानकारी मैंने आप लोग को दी थी वो बिल्कुल सही थी और मैंने आप लोगों से क्लियर किया था कि अभी यही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, लेकिन कुछ भी कंफर्म नहीं है। जी हाँ, कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मंत्रालय का आदेश है, सभी रुकी हुई वैकेंसियां कंप्लीट हो रही हैं, ये मान के चलिए कि 100% आप लोग की यहाँ पे रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल जिस प्रकार से सभी भर्तियां कंप्लीट हो रही हैं आप लोगों ने देखा होगा, फिर चाहे वो एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती रही हो, ये भर्ती भी आप लोगों की 2020 की थी और इसे कंप्लीट करा लिया गया, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह दे दिए गए। इसके अलावा आप लोग की सीआईएसएफ की वैकेंसी हो, रुकी हुई 2019 की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, उसे भी यहाँ पे कंप्लीट करा लिया गया, मेडिकल वगैरह। और इसके अलावा आप लोग की हेड सीआरपीएफ की खुद की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई स्टेनो की वैकेंसी आप लोग देख रहे हैं, मिशन मोड पे बिल्कुल चल रही है। टाइपिंग, फिजिकल और मेडिकल वगैरह सब कुछ यहां पे एक साथ लिया जा रहा है। तो यही उम्मीद की जा रही थी कि सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ जो कि 2020 से रुकी हुई है, ये भी भर्ती यहां पे कंप्लीट करा दी जाएगी। अब बच्चों को बहुत ज्यादा वेट नहीं करना होगा, नहीं करना होगा, नहीं करना होगा। और ये मान के चलिए बिल्कुल कंफर्म था कि आप लोग का होना ही होना है। जी हाँ, आप लोग की इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करना ही होगा दिसंबर या जनवरी में। देखिए, डेट कुछ भी नहीं पता थी इसलिए मैंने आप लोग को जानकारी नहीं दी, ऐसी डेट को लेकर के कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। लेकिन मंत्रालय का आदेश है तो ये भर्ती भी आप लोग की जल्द ही कंप्लीट होगी और सीआरपीएफ मिशन मोड पे वर्क कर रहा है तो ये भर्ती आप लोग की नहीं रुकेगी, उम्मीद की जा रही है आपकी भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी जानकारी दी गई थी। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, उस वीडियो के बाद ही एक नोटिस वायरल हो रहा है। जी हाँ, एक नोटिस वायरल हो रहा है। नोटिस है आप लोग का जो ट्रेनिंग शेड्यूल, जी हाँ, ट्रेनिंग शेड्यूल को लेकर के एक नोटिस वायरल हो रहा है। जी हाँ, फिर चाहे वो आप लोग का सीआरपीएफ ट्रेडमैन को लेकर के हो, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ को लेकर के हो या फिर सीआरपीएफ की अदर रिक्रूटमेंट को लेकर के हो। तो देखिए, ट्रेड्समैन के ऊपर तो मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है लेकिन पैरामेडिकल के ऊपर मैंने अभी तक आप लोग को जानकारी नहीं दी थी। स्टूडेंट परेशान है, सर क्या नोटिस सही है नहीं है, क्या हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल बहुत आगे चला गया है, चेंज हो गया है, एक वीडियो बनाई। तो देखिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए। बिल्कुल आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, जो नोटिस वायरल हो रहा है, वो बिल्कुल सही है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, किसी भी प्रकार से आप लोग कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। सीटीसी ग्वालियर 2024 का आप लोग का ट्रेनिंग शेड्यूल है। ट्रेनिंग शेड्यूल आप लोग का टेंटेटिव ही रहता है, मैं आप लोग को बता दूं, क्योंकि इसमें चेंजेस होते रहते हैं। जी हाँ, चेंजेस होते रहते हैं, विभाग अपने अनुसार इसमें चेंजेस करता रहता है। और
अभी जो आप लोग की सीआरपीएफ पैरा मेडिकल स्टाफ की डेट निकल के आ रही है बेसिक ट्रेनिंग की, जी हाँ बेसिक ट्रेनिंग ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ, जो आप लोग की रिक्रूटमेंट है ये हॉस्पिटल स्टाफ की रिक्रूटमेंट है। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, पैरा मेडिकल स्टाफ आप लोग की हॉस्पिटल स्टाफ की रिक्रूटमेंट है, जिसमें कि 789 पोस्ट हैं आप लोग की और 18 वीक की ट्रेनिंग है। यह ट्रेनिंग में भी कुछ टाइम वगैरह यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, तो 18 वीक की आप लोग की ट्रेनिंग है, जो कि 2 सितंबर 2024 की डेट यहाँ पे आप लोगों को दे दी गई है। ऐसा क्या कर दिया गया है, ऐसा क्यों किया गया है, क्या सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती कंप्लीट नहीं करवानी है? जी हाँ, सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के साथ इतना भेदभाव क्यों? 2 सितंबर 2024 की डेट आप लोग को दे दी गई है। जी हाँ, जो ये नोटिस है, जो ये शेड्यूल है, उसको देख करके मैं जानकारी दे रहा हूँ। बिल्कुल 2 सितंबर 2024 की डेट दी गई है और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, ये आप लोग का ट्रेनिंग शेड्यूल ही है सीटीसी ग्वालियर का, और बहुत ही जल्द आप लोग को वेबसाइट पे देखने को मिलेगा। तो 2 सितंबर 2024 आप लोग की ट्रेनिंग का शेड्यूल यहाँ पे दे दिया गया, यानी कि जो आप लोग की पीएम का, जो आप लोग का रोजगार का चल रहा था, यहाँ पे मिशन मोड पे चल रहा था, बिल्कुल 2 रोजगार मेले बचे थे, इसमें भर्तियां कंप्लीट हो रही है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती अब आप लोग की कंप्लीट नहीं होगी। जी हाँ, दिसंबर जनवरी तक आप लोग की भर्ती कंप्लीट नहीं होगी, बिल्कुल आप लोग इसे नोट करके रख लीजिए। जैसा कि इस नोटिस में दिखाया जा रहा है, 2 सितंबर 2024 में आप लोग का ट्रेनिंग शेड्यूल है, तो इतनी जल्दी आप लोग के ट्रेड टेस्ट और मेडिकल नहीं लिए जाएंगे, आप लोगों को इतना वेट नहीं करवाया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। जी हाँ, ट्रेनिंग से पहले यदि सितंबर की डेट है तो 1 से 1.5 महीने पहले आप लोग को यहाँ पे ज्वाइनिंग दी जा सकती है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा पहले आप लोग को जानकारी ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती। 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने पहले आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती। तो यदि ट्रेनिंग का शेड्यूल आप लोग का 2 सितंबर 2024 का है, तो दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 में तो आप लोग की भर्ती कंप्लीट ही नहीं होनी है। जी हाँ, किसी हाल में आप लोग की भर्ती कंप्लीट नहीं होगी। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए ही लेके आया हूं। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है इस नोटिस के माध्यम से, इस ट्रेनिंग शेड्यूल के माध्यम से यहाँ पे जानकारी मिल रही है। तो ये बिल्कुल क्लियर है, आपकी भर्ती फिर से पेंडिंग में आ चुकी है। जी हाँ, पेंडिंग में आ चुकी है। अब बहुत से बच्चे ये कहेंगे कि सर कब तक हमारे फिजिकल और ट्रेड टेस्ट और मेडिकल होंगे? तो देखिए, अभी तो ट्रेनिंग की जानकारी मिली है कि आपके 2 सितंबर 2024 से यहाँ पे ट्रेनिंग का शेड्यूल है, बेसिक ट्रेनिंग का शेड्यूल है, तो अभी डेट की जानकारी कहाँ से दे दी जाए, जब विभाग ने ही कुछ अभी तय नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग कैलेंडर में आपकी ट्रेनिंग की जगह दे दी है, तो आप लोग को जानकारी नहीं दी जा सकती है। यानी कि विभाग ने अभी कुछ भी तय नहीं किया है पैरामेडिकल स्टाफ के बारे में, कब आपके यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होंगे, कब मेडिकल होंगे, कब ज्वाइनिंग होगी, अभी कुछ भी फिक्स नहीं है। तो सीआरपीएफ अपनी अदर रिक्रूटमेंट को पूरा करने में लगा हुआ है, पैरामेडिकल स्टाफ की जो वैकेंसी है इसको दोबारा से पेंडिंग में लगा दिया गया है। ये भर्ती आपकी आगे जाके अभी समय लगने वाली है, आगे कुछ समय बाद ही इसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आगे कब क्या होगा ट्रेड टेस्ट मेडिकल आप लोग को जानकारी दी जाएगी। लेकिन आप लोग खुद सोच सकते हैं, यदि 2 सितंबर 2024 में आप लोग का ट्रेनिंग शेड्यूल है, तो उससे बहुत पहले आप लोग को ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, मैंने आप लोग को क्लियर कर दिया है। तो उसी के अनुसार आप लोग के ट्रेड टेस्ट भी मेडिकल भी होने वाले हैं। तो अभी आप लोग की यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। जी हाँ, ट्रेड टेस्ट मेडिकल नहीं होने वाला, जैसा कि इस नोटिस से क्लियर हो रहा है। आप लोग को वेट करना होगा। जी हाँ, आप लोग को वेट करना होगा, और मैं ये क्लियर कर दूं, वेट भी आप लोग को लंबा वेट करना होगा। आने वाले समय में यदि कोई इन्फॉर्मेशन लगती है, जानकारी दी जाएगी। सीआरपीएफ का बहुत ही बिजी शेड्यूल है, आप लोग देख रहे हैं, कई भर्तियां कंप्लीट करानी है, लेकिन उन भर्तियों को कंप्लीट करने के चक्कर में पैरामेडिकल स्टाफ वालों के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि काफी लंबे समय से आप लोग वेट कर रहे हैं। बट कुछ भी नहीं किया जा सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, डिपार्टमेंट जो भी तय करे, जैसा भी तय करे, बस मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना है, मैंने आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो 2 सितंबर 2024 में आप लोग की ट्रेनिंग स्टार्ट है, उससे पहले ही आप लोग की ज्वाइनिंग और ट्रेड टेस्ट मेडिकल वगैरह होगी, आने वाले समय में आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।